हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के जो हमारे क्वेश्चन बचे थे जो टाइप्स अलग था दोनों में माइनस वाला, वो आज हम करेंगे। सो क्वेश्चन फोर्थ क्या है, एड द फॉलोइंग। आज मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें दोनों में माइनस थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए वाला क्वेश्चन करवा था जिसमें प्लस था एक माइनस था, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों में माइनस है। सो इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम, तो एडिशन करना है। एड की जगह पे कौन सा साइन लगाऊंगा, एडिशन का साइन लगाऊंगा क्योंकि एड का मतलब एड का मतलब जगह एड करना है। सो प्लस अब आएगा माइनस टू वन सिक्स। मैंने आपको कल बताया था जो वीडियो बनाया था उसमें कि दो साइन प्लस और माइनस कभी भी एक साथ नहीं रहते, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। सो मैंने ब्रैकेट का साइन लगा दिया। आगे स्टेप पढ़ेंगे -416। मैंने आपको फिर एक बता दिया, प्लस और माइनस दोनों एक साथ रहते हैं और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रैकेट की जगह कौन सा साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई मतलब प्लस का इनटू माइनस में करोगे। प्लस का इनटू अगर मैं माइनस में करता हूं मेरा आंसर आता है माइनस का, प्लस इनटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो यहां पर ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस इनटू ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब साइन है प्लस के बाद क्या साइन लगा हुआ है, इनटू का साइन, प्लस इनटू माइनस। सो मेरा क्या हो जाएगा, -216। अब हम तो कर रहे हैं ऐड, लेकिन यहां पे देखिए जब दोनों को एड क्या है, माइनस की है, तो क्या हो जाएगा, दो बिंदु माइनस की होती है तो दोनों की जगह क्या होता है, प्लस हो जाएगा। 416 216, इसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ये हो जाएगा आपका प्लस। जब दो वैल्यू माइनस की होती है तो उनका माइनस का मतलब क्या हो जाती है, प्लस। 6 और 6 कितना, 12 का 2 1 के लिए 1 2 3 4 2 6, ये आपका आंसर है 6 3 2। दोनों माइनस का है तो आप माइनस मत कर देना कि 416 216 माइनस, नहीं, जब दोनों अगर वैल्यू माइनस की तो दोनों माइनस माइनस के बजाय प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा आपका, माइनस का, क्योंकि साइन आएगा, साइन कौन सा है आपका, माइनस का साइन आएगा। सो आपका बन गया आंसर, सो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का अदर टाइप था जिसमें दोनों माइनस के रहेंगे, लेकिन मैंने ए वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें एक में प्लस था एक में माइनस था, सो हमारा आंसर क्या हो गया था, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस जब दोनों साथ में रहते तो आपका होता है माइनस, और जब दो माइनस एक साथ रहते दोनों को होता है प्लस। सो आपको ये आपका बेसिक है जो कि आपने फिफ्थ सिक्स में पढ़ रखा होगा। ना क्वेश्चन नंबर अब करेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ का मैं आपको करवा रहा हूं बी सी वाला करवा देता हूं मैं आपको। तो सी वाला क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, 96 फ्रॉम 42 सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन किसमें से किसको करना है। सब्ट्रैक्शन करना है लेकिन किसमें से किसको, 96 में से 42 को करना है, 42 में से 96 को करना है। सो यहां पे लिखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सी वाला क्या है, -96 फ्रॉम 42। जब भी फ्रॉम लिखा हो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है, फ्रॉम 42, तो मतलब किसमें से माइनस करना है आपको, 42 फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी हुई रहती है उसमें से माइनस करना है। तो मैं माइनस कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं किसको, -96 को। मैंने आपको बोला था दो साइन कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 42 यहां पर दो साइन साथ में आ गए तो मैंने आपको फिर सिखाया ब्रैकेट ओपन करना कैसे करते हैं, लेकिन जब दोनों माइनस और माइनस ब्रैकेट में रहते तो बन जाते हैं प्लस। पिछले वाले वीडियो में आपको क्या बताया था, जब प्लस और माइनस ब्रैकेट में रहते क्या बनेगा, तो प्लस इनटू माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस में, सो माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस। सो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, दोनों का साइन क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट क्या है, ये आपने बेसिक में पढ़ रखा होगा फिफ्थ सिक्स में, जब माइनस इनटू माइनस होता है तो क्या होगा, प्लस। 96 42 में आपको क्या करना है, 96 प्लस करना है। सो 42 में आपको 96 प्लस करके बता देता हूँ, 6 और 2 कितना होता है आपका 8, 9 और 4 कितना होगा आपका 13, सो आपका आंसर आएगा 138 आपका हो गया, ये आपका हो गया आंसर। सो ये तो सब्ट्रैक्शन का, आपको सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है, तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसमें से आपका सब्ट्रैक्शन करना रहता है। सो मैंने वो कर दिया 42 में से -96 को, सेम टू सेम बाकी टोटल क्वेश्चन आपके ऐसे ही है जो आपका बन जाएंगे। सो ए से लगाकर एच तक सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर आपको किसी में डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बताइए कि किस में डाउट आ रहा है, कमेंट कीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको उसका जो आंसर रहेगा वो मैं आपको करके बताऊंगा।